हम हर वो चीज करेंगे जिसके लिए हमको लोकतंत्र को बचाना है। भाजपा कुछ भी कर सकती है। हमने छत्तीसगढ़, हमने महाराष्ट्र में देखा है, मेघालय में देखा है, गोवा में देखा है। हमारे बहुत शरीष्ठ अनुभवी नेता यहाँ पर उपस्थित है। कोई भी ना बिकेगा, ना कोई हटेगा। हमारी सरकार बनेगी, पूर्ण बहुमत के साथ बनेगी। हम अपने चुनावी वादों को बिल्कुल याद है, हमको 10 गारंटियां याद है, हमारी जुबान है, और उनको हम आने वाले समय में पूरा करेंगे। मगर निश्चित तौर से वीरभद्र सिंह जी का नाम इन चुनावों में बहुत बड़ा था, और उनका एक वीरभद्र सिंह फैक्टर इन चुनावों को मैं कांग्रेस पार्टी को बढ़त बढ़ाने में एक बड़ा योगदान रहा है। हमारे बहुत शरीष्ठ अनुभवी नेता यहाँ पर उपस्थित है। कोई भी ना बिकेगा, ना कोई हटेगा। हमारी सरकार बनेगी, पूर्ण बहुमत के साथ बनेगी, और पूरे 5 साल हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार चलेगी। वीरभद्र सिंह विकास मॉडल के ऊपर ही सरकार चलेगी। नेतृत्व कौन करेगा, किसे मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, आपकी क्या चाह है? देखिए, मेरी चाह और ना चाह से ये फर्क नहीं पड़ता है। चाह जो है वो विधायक दल की होगी, हाईकमांड की होगी, और हम मिलकर हिमाचल प्रदेश को आगे ले जाने के लिए हम सब वचनबद्ध है। ये निश्चित तौर से ये बात मैं कह सकता हूँ कि वीरभद्र सिंह जी का एक बहुत बड़ा नाम था जो इस चुनावों में हमको, जिससे कांग्रेस पार्टी को फायदा मिला है। उनके ही चेहरे पर चुनाव लड़ा कांग्रेस, उनके चुनावों पे, उनके नाम पे ये चुनाव लड़ा गया है निश्चित तौर से, और हाईकमांड का भी उसमें पूरा सहयोग था। प्रियंका गांधी जी की ताबड़तोड़ रैलियां हिमाचल के अंदर हुई है, सब चीजों का मिलकर। आप चाहेंगे कि प्रतिभा सिंह मुख्यमंत्री बने, क्योंकि उन्होंने अगुवाई की प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर। जो विधायक दल चाहेगा, हाईकमान चाहेगी, हम उस चीज की पैरवी करेंगे। हम अपने चुनावी वादों को बिल्कुल याद है, हमको 10 गारंटियां याद है, हमारी जुबान है, और उनको हम आने वाले समय में पूरा करेंगे। आपका मार्जिन जो है वो 10,000 के करीब लगभग ऐसा लग रहा है कि क्रॉस कर जाएंगे, अभी भारी मतों के जीत रहे हैं। हाँ, नहीं, क्रॉस कर चुके हैं। चलिए, एज यू सेड, वीरभद्र सिंह मॉडल भाई भाई गवर्नमेंट यार गुरु लाइन पे हमारा भी मैंडेट एक एक फॉरवर्ड टू कैरी द लेगेसी ऑफ वीरभद्र सिंह। क्या प्रतिभा सिंह को आप मुख्यमंत्री बनकर देखना चाहते हैं? देखिए, एक बेटे के रूप में मैं ज़रूर देखना चाहूँगा, मगर ये मेरे ऊपर ही जो है वो निर्णय नहीं करता है। ये हाईकमांड का निर्णय है, और साथ ही साथ जो हमारा विधायक दल अभी चुनकर आएगा नया, उनका निर्णय होगा। तो हमको सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए ध्यान रखने की आवश्यकता है। मगर निश्चित तौर से वीरभद्र सिंह जी का नाम इन चुनावों में बहुत बड़ा था, और उनका एक वीरभद्र सिंह फैक्टर इन चुनावों को मैं कांग्रेस पार्टी को बढ़त बढ़ाने में एक बड़ा योगदान रहा है। तो निश्चित तौर से हम प्रयास करेंगे कि सब मिलकर आगे चले और वीरभद्र सिंह विकास मॉडल को आने वाले समय में हिमाचल में इम्प्लीमेंट। श्रीमती सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, और सबसे प्रबोध हिमाचल प्रदेश की जनता, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी में अपना विश्वास जताया है, और अभी रुझान हमारी तरफ है। मैं ये नहीं कहूँगा कि अभी हम पूरी तरीके से जीत चुके हैं, मगर जैसे ही हमारा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, उसके बाद हम प्रदेश की जनता का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। और जो हमारे आगामी हमारा टास्क फोर्स है, जो हमने 10 वादे प्रदेश की जनता ने किए हैं, उनको पूरा करने के लिए हम वचनबद्ध है, जिनको हम पूरा करें। क्या विधायकों को बाहर ले जाया जाएगा, प्रदेश के बाहर ले जाया जाएगा खरीद फरोख्त से बचाने के लिए? हम हर वो चीज करेंगे जिसके लिए हमको लोकतंत्र को बचाना है, क्योंकि भाजपा कुछ भी कर सकती है। हमने छत्तीसगढ़, हमने महाराष्ट्र में देखा है, मेघालय में देखा है, गोवा में देखा है, वो चीज हिमाचल के अंदर रिपीट नहीं होगी, इसका मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं। रैलियों का सिलसिला शुरू किया, आज ये रैलियां आज जीत में परिवर्तित हो रही है। उस राज्य में जहां भारतीय जनता पार्टी अपने आप को सबसे मजबूत मानती थी, मोदी जी 10 बार इस प्रदेश में आए, और अमित शाह जी आए, सभी वरिष्ठ नेता आए, आज कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बना रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस की जीत का सबसे बड़ा कारण है कि भारतीय जनता पार्टी की 5 साल के लिए गुड गवर्नमेंट के लिए गुड गवर्नेंस का होना जरूरी है, अच्छे शासन के लिए अच्छे प्रशासन का होना जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी की 5 साल में यहाँ प्रशासन नाम की कोई चीज़ नहीं थी, और निश्चित तौर पर से जो बेरोजगारी इस देश में बढ़ रही है, इस प्रदेश में बढ़ रही है, महिलाओं का सम्मान नहीं किया जाता। शराब कांड में आज़ादी के बाद से 7 आदमी यहाँ मर गए। हिमाचल देव भूमि और वीर भूमि के नाम से जाना जाता है।